दोस्तों आईकू जी एट चाइना के अंदर 31 अगस्त को लॉन्च होगा और ये जो स्मार्टफोन है दिवाली के आसपास इंडिया में लॉन्च हो सकता है। तो आज की इस वीडियो पर बात करेंगे स्मार्टफोन के अंदर क्या स्पेसिफिकेशन होगा, किस प्राइस रेंज के अंदर लॉन्च होगा और साथ ही में बात करेंगे क्या स्मार्टफोन के लिए वेट करना चाहिए फिर नहीं। तो जय हिंद दोस्तों, के हाल चाल में होगा दोस्तों होस्ट टेक गाइड आकाश बोध। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले अगर स्मार्टफोन की वेरियंट की बात करते हैं तो ये स्मार्टफोन 3 वेरियंट के अंदर लॉन्च होगा, 8GB+120, 8GB, 8GB प्लस 256GB, 12GB प्लस 512GB। और अगर स्मार्टफोन की कलर ऑप्शन की बात करते हैं तो 3 कलर ऑप्शन पर लॉन्च होगा। पीछे आपको प्लास्टिक का बैक देखने के लिए मिलेगा मैट फिनिश के साथ, 8.1mm की थिकनेस, 181 ग्राम का वेट, मतलब फोन यहाँ पर लाइट वेट होने वाला है, स्लिम भी होने वाला है। डिस्प्ले होगा 6.64 इंच का फुल HD प्लस LTPS LCD डिस्प्ले, 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ, साथ ही में 1200Hz टच सैंपलिंग रेट के साथ, और ब्राइटनेस मिल जाएगा 650 nits के आसपास। तो ओवरऑल ठीक ठाक डिस्प्ले है, आपको LCD डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है, लेकिन अगर AMOLED होता तो थोड़ा सा बेटर होता क्योंकि ये थोड़ा सा महंगा स्मार्टफोन होने वाला है। और अगर इसकी प्रोसेसर की बात करते हैं तो इसके अंदर होगा Dimensity 8200, LPDDR5X रैम सपोर्ट, UFS 3.1 स्टोरेज टाइप सपोर्ट। तो इस चीज़ को सुन के आप समझ गए होंगे काफ़ी पावरफुल फोन होने वाला है, मतलब एक गेमिंग सेंट्रिक स्मार्टफोन होने वाला है। कैमरा होगा 64MP का मेन सेंसर OIS के साथ, 2MP का डेप्थ सेंसर, 16MP का सेल्फी कैमरा, ओवरऑल कैमरा ठीक ठाक मिल जाएगा। 5000mAh बैटरी के साथ 120W का चार्जर होने वाला है, तो मतलब काफ़ी तेज़ी से फ़ोन चार्ज होने वाला है। और कुछ बाकी फीचर्स की बात करते हैं तो एंड्रॉयड 13 के साथ लॉन्च होगा, फन टच OS होगा, 2 साल का एंड्रॉयड अपडेट, 3 साल का सिक्योरिटी अपडेट, टाइप सपोर्ट और डुअल स्पीकर मिल जाएगा, कोई भी हेडफोन जैक लगाने का ऑप्शन नहीं होगा और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाएगा। और अगर प्राइसिंग की बात करते हैं तो इसका जो बेस वेरियंट है 8GB+120, 8GB वाला वेरियंट 25,000 के नीचे देखने के लिए मिल सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं क्या स्मार्टफोन के लिए आपको वेट करना चाहिए फिर नहीं। तो दोस्तों ओवरऑल जो स्पेसिफिकेशन दिया गया है आपको ठीक ठाक स्पेसिफिकेशन मिल जाता है, डिस्प्ले उतना ज़्यादा खास नहीं है लेकिन ओवरऑल ठीक ठाक देखने के लिए मिलता है, लेकिन परफॉर्मेंस ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। तो अगर आपको IQ की तरफ से एक गेमिंग स्मार्टफोन चाहिए, मतलब एक पावरफुल फ़ोन चाहिए 25,000 के आसपास, तो आप इस स्मार्टफोन के लिए वेट कर सकते हो, दिवाली के आसपास ये स्मार्टफोन लॉन्च हो जाएगा। आई होप कि आपको यह जानकारी पसंद आएगा, तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो पर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।